Hello everyone, this is Shweta from EdSected International. Welcome back to my channel. उम्मीद है कि आप सब लोग अपने घरों में सुरक्षित हैं और हेल्दी हैं. So चलिए हम बात करते हैं अपने टॉपिक के बारे में. So आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट और स्पेशल होने जा रहा है क्योंकि ये टॉपिक आपकी इंग्लिश को बहुत ही अच्छा बना देगा. सो ये टॉपिक कौन सा है? ये टॉपिक है पंक्चुएशन मार्क्स के ऊपर. बहुत बार ऐसे होता है कि जब भी आप अपने इंग्लिश को लिखते हैं तो छोटी छोटी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपकी इंग्लिश को ख़राब कर देती हैं, या फिर मैं ये कह सकती हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं अगर आप उनको सही जगह पर नहीं लगाते या फिर आप उसका इस्तेमाल सही तरीके से नहीं करते तो आपकी इंग्लिश का सेंस कुछ और ही निकल आता है. सो आज हम उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे एंड द टॉपिक नेम इज़ punctuation marks. So let's get started. So the first punctuation mark is full stop. फुल स्टॉप हमेशा एक सेंटेंस के एंड में लगता है. जब भी आपका सेंटेंस खत्म हो जाए आपको ये चीज़ याद रखनी है कि आपको सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप लगाना है. एंड अगर मैं बोलने की बात करूं तो जब भी आपको एक सेंटेंस जब आपका सेंटेंस पूरा हो जाता है तो वहां पे आपको बोलते समय थोड़ा सा पॉज लेना है. ज़्यादा लंबा पॉज तो नहीं लेना, लिटिल पॉज आपको लेना है जिससे कि ये पता चले कि आपका सेंटेंस यहाँ पे फिनिश है. फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं यू आर अ ब्रिलियंट YouTuber. I like all your videos. आपने देखा कैसे मैंने दो sentences बनाए और दोनों sentences को के बीच में मैंने एक छोटा सा pause लिया. वो pause ये show करवाता है कि एक sentence खत्म होने के बाद full stop लगा है and उसके बाद आप second sentence शुरू करते हैं. So this is how you can use the full stop. दूसरा तरीका जिसमें कि हम फुल स्टॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं किसी पर्सन के इनिशियल नेम को लिखने के लिए. फॉर एग्जांपल किसी पर्सन का नाम है नरेंद्र कुमार वर्मा, तो अगर उसको अपना नेम शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो वो लिखेगा एन के वर्मा. एन के वर्मा सिंपल लिखना सही नहीं है, इसीलिए एन डॉट के डॉट वर्मा लिखना उसके लिए सही है. और तीसरा तरीका जिसमें कि आप फुल स्टॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं दैट इज इन द यूज ऑफ एब्रीविएशंस. जब आप एब्रीविएशंस का इस्तेमाल करते हैं तो वहां पे आपको फुल स्टॉप का इस्तेमाल करना है. जैसे कि आप कहना चाहते हैं बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ आर्ट्स को अगर एब्रीविएशन में लिखना पड़ता है तो हमें बीए लिखना पड़ता है. तो बीए अकेला यूज नहीं करना, आपको यूज करना है बी डॉट ए. ठीक है, सो इन दिस सेंस यू कैन यूज द फुल स्टॉप. Now the second punctuation mark is comma. कॉमा तब इस्तेमाल होता है जब आप किसी सेंटेंस के वर्ड्स को अलग अलग बताना चाहते हैं. फॉर एग्जाम्पल जॉन जोसेफ एंड जेन आर गुड फ्रेंड्स, मतलब कि जॉन जोसेफ और जो जेन है ये अच्छे दोस्त हैं. अब आपको पता है कि सेंटेंस में तीन नाम आ गए हैं तो आपको उन वर्ड्स को उन नेम्स को अलग अलग दिखाना है, तो वहाँ पर उनके डिफरेंस को दिखाने के लिए आप कॉमा का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि आप नीचे सेंटेंस में देख सकते हैं. दूसरा तरीका जहां पे आप कॉमा का इस्तेमाल कर सकते हैं वो आपको यूज करना है लेटर्स में. आपने बहुत बार देखा होगा कि जब आप लेटर्स लिखते हैं तो वहां पे आप लिखते हैं डियर सर या रिस्पेक्टेड मैडम. सो जब आप इन वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं तो उसके बाद आपको जरूरी है कि आप कॉमा जरूर लगाएं. तीसरी जगह जहां पे आप कॉमा का इस्तेमाल कर सकते हैं वो है जब आप किसी बात को बार बार कहते हैं या जोर देने के लिए कहते हैं, जैसे कि ट्राई 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 अगेन यू विल विन द गेम. कोशिश करते रहो कि तुम गेम को जीत जाओगे. और चौथा तरीका जहाँ पे आप कॉमा का इस्तेमाल कर सकते हैं वो है डेट लिखते समय. जैसे कि आज की डेट है 27 जनवरी 2022, तो डेट का सही लिखने का तरीका ये है January 27, 2022. सो ये है चार तरीके कॉमा को इस्तेमाल करने के. मुझे उम्मीद है कि आप कॉमा को गलत तरीके से इस्तेमाल आगे से नहीं करेंगे. The third punctuation mark is inverted commas. मैं आपको सच में बताऊं, मुझे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स मिले हैं जब भी उन बात आती है ना इन्वर्टेड कॉमास की को लगाने के लिए तो वो हमेशा हमेशा गलती करते ज़रूर हैं. बट आपको मैं आज यही बात सिखा रही हूँ कि जब आपको इन्वर्टेड कॉमास का इस्तेमाल करना है तो वो वहाँ पे इस्तेमाल होता है जब किसी इंसान ने कोई वो बात कही है और वो बात आप सेम रिपीट कर रहे हो उन्हीं उसी सेंटेंस में जो सेंटेंस उस पर्सन ने बोला था, तो सिर्फ वहीं पर आपको इन्वर्टेड कॉमास
का इस्तेमाल करना है. फॉर एग्जाम्पल द सर्वेंट सेड डिनर इज रेडी, कि सर्वेंट ने बोला कि डिनर तैयार है. अब आपने देखा होगा कि ये इन्वर्टेड कॉमास में वही सेंटेंसेस है जो कि उस सामने वाले पर्सन ने बोले, हमने सेंटेंस में कुछ चेंज नहीं किया. तो आपको ये बात याद रखनी है कि जब भी हम किसी पर्टिकुलर पर्सन का सेम बात या सेम डायलॉग बताते हैं तो उसके आसपास आपको इन्वर्टेड कॉमास को लगाना है. Now comes colon. Colon का इस्तेमाल वहां होता है सेंटेंस में जहां पे ये पता चलता है कि सेंटेंस का कुछ पार्ट पूरा हो गया है पर कुछ पार्ट अभी बाकी है. जैसे कि सेंटेंस बनाते हैं, He said you are very clever. उसने बोला कि आप बहुत ही चालाक हो. और दूसरा तरीका जहां पे कोलन का इस्तेमाल होता है वो डैश से पहले होता है. फॉर एग्जाम्पल द चीफ टाउन्स ऑफ द पंजाब आर अमृतसर, लुधियाना, जलंधर, पटियाला एंड फिरोजपुर. इस सेंस में आप कोलन का इस्तेमाल कर सकते हैं. नाउ कम्स सेमीकोलन. सेमीकोलन वहां पे इस्तेमाल होता है जहां पे फुल स्टॉप का आधा समा बताया जाता है. जैसे कि सेंटेंस बनता है, टू टेल द ट्रुथ इज अ गुड हैबिट सेमीकोलन, इट कॉस्ट नथिंग. मतलब कि सच बोलना या सच बताना एक अच्छी आदत है, इसका कोई खर्चा नहीं लगता. सो इस तरीके से आप सेमीकोलन का इस्तेमाल कर सकते हैं. नाउ कम्स डैश. डैश हम वहां पे इस्तेमाल करते हैं, मान लो कि आप एक सेंटेंस लिख रहे हो और सेंटेंस में सारी बात क्लियर नहीं हो रही या फिर आप एक सेंटेंस में लिख नहीं पा रहे. सो जब भी आपको अपनी बात को क्लियर करवाना है आगे वाले शब्दों में तो वहां पे आप डैश का इस्तेमाल कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल पिज्जा, मंचूरियन एंड नूडल्स, फिर आपको लगाना है डैश, ऑल वर सर्व्ड इन द पार्टी. तो आपको पता चला ना कि कैसे एक डैश ने सारी बात को क्लियर कर दिया. सो जब आपको लगे कि आपकी बात क्लियर नहीं हो रही वहां भी आप डैश का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी बात को क्लियर करवाने के लिए. अब आता है हाइफन. बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो डैश और हाइफन को मिक्स कर देते हैं, बट हाइफन का इस्तेमाल वहां पे होता है जब आपको दो या दो से ज्यादा वर्ड्स को आपस में जोड़ना होता है. जैसे कि फादर इन लॉ. अब ये फादर इन लॉ तीन वर्ड्स हैं और आपको तीनों को साथ जोड़ने के लिए बीच में हाइफन का इस्तेमाल करना है. या फिर आप कहते हैं कोऑपरेशन, तो कोऑपरेशन को जोड़ने के लिए आपको बीच में एक हाइफन लगाने की जरूरत है, बट यहाँ पे आप डैश का इस्तेमाल नहीं कर सकते. ओके, अब आता है क्वेश्चन मार्क. क्वेश्चन मार्क इसके बारे में तो आप सब लोग जानते ही होंगे, बट फिर भी मेरा फर्ज है आपको बताना. क्वेश्चन मार्क हमेशा सेंटेंस के एंड में लगता है, और क्वेश्चन मार्क आप ऐसे ही किसी सेंटेंस के एंड में नहीं लगा सकते. जब तक वो लाइन जो है, वो ये सेंटेंस जो है, वो सवाल नहीं पूछता, तब तक आपको क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल नहीं करना. फॉर एग्जाम्पल हाउ आर यू, तो हाउ आर यू के एंड में आपको लगाना है क्वेश्चन मार्क. या फिर आप पूछते हैं व्हाई आर यू सैड टुडे, आप आज इतने दुखी क्यों है. सो ऐसे तरह के सेंटेंसेस जिससे कि आप सवाल पूछते हैं दूसरों से, उस सेंटेंसेस के एंड में आपको क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करना है. ओके, अब आता है अपोस्ट्रोफी. अपोस्ट्रोफी पंक्चुएशन मार्क वहां पे लगता है जहां पे हिंदी सेंटेंसेस में का, की या के का इस्तेमाल होता है. जैसे कि हम कहना चाहते हैं कि ये सोहन का पेन है, This is Sohan's pen. तो आपने देखा कि सोहन के साथ अपोस्ट्रोफी लग के एस का इस्तेमाल हुआ. चलिए अब इस मार्क को तो आप जानते ही होंगे. इस मार्क को बोला जाता है एक्सक्लेमेशन मार्क. एक्सक्लेमेशन मार्क हमेशा वहां पे इस्तेमाल होता है जहां पे आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हो. जब आप बहुत खुश होते हो, जब आप बहुत उदास होते हो, या फिर आप बहुत डरे होते हो, या ऐसी ही कोई भी फीलिंग, कोई भी इमोशन जिसमें कि आप अचानक अपनी बातों को या अपनी फीलिंग को दूसरे के सामने एक्सप्रेस करते हो, वहां पे आप यूज करते हो एक्सक्लेमेशन मार्क का. फॉर एग्जाम्पल हुर्रे वी हैव वन द मैच, मतलब आप अपनी खुशी को एक्सप्रेस कर रहे हो कि हुर्रे हम मैच को जीत गए. या फिर आप कहना चाहते हो अलास यू आर रूइंड, बहुत दुख की बात है कि तुम बर्बाद हो गए. सो इन सेंटेंसेस में आपने देखा होगा हुर्रे और अलास के आगे हमने लगाया एक्सक्लेमेशन मार्क, क्योंकि आपकी अचानक खुशी को और अचानक दुख को शो करवाता है.
अगर आप एक्सक्लेमेशन के बारे में और जानकारी लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगी, वहां पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि अगर हैरानी में कोई बात कहनी है, या डर में कोई बात कहनी है, या दुख में, या खुशी में, या कोई भी ऐसे इमोशन को आप एक्सप्रेस करना चाहते हो, तो वो वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने जा रही है। तो आप उसको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर सकते हैं। So this was the end of the video. उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, सबके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, एंड यस मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।